बाबी शर्मा भाई, सोचा था आज अर्जी लग जाएगी, परंतु आज मैं आया बहुत अच्छा लगा और एक कृपा प्राप्त हुई बाबी शर्मा बाबा जी की। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ बाबी शर्मा बाबा जी। और भी श्रद्धालु जुड़े बात करेंगे। क्या नाम लिखता बहनी आप? लक्ष्मी साहू। अर्जी लेके आए रहो? हम मैं अपन अर्जी लेके आया हूँ। मैं अपन परिवार बर, अपन माँ के लिए, अपन पापा के लिए, हमारे परिवार के सुख शांति के लिए, और हमारे परिवार में वाद विवाद होते हैं, तेकर वजह से अपन अर्जी लेके आ रहे हूँ बालाजी के पास। तो अर्जी नहीं लग पाई सब है, कुछ कमी रहेगी सोही, शायद श्रद्धा भक्ति में हमार, तेकर वजह से नहीं लग पाई सोही। तो आगे हम अपन भक्ति ले श्रद्धा बढ़ावो, तो ओकर वजह से हमरो अर्जी स्वीकार हो। कब तक नहीं हुई हमरो अर्जी स्वीकार? स्वीकार जरूर होई। तभी ये टीवी में देखना हो साक्षात दर्शन जो आज देख के अपन करा, तो कैसे अनुभव रहते ओकर बारे में? बहुत मतलब पहले जब हमन देखत रहे हैं तो इतना मतलब नहीं विश्वास, जैसे देखत देखत इतना विश्वास बढ़ गया है खुद के आँखी में। आज हमन देखे हवन चमत्कार ला, तो हमन ला विश्वास और बहुत बढ़ गया है। हमन मन के जो जितना भी श्रद्धा भक्ति है और बढ़ गया है बालाजी के प्रति। हमार इष्ट देव ही हर है बालाजी। हाँ, मूर्खिलेश्वर से नाम है। आप मन के आज अर्जी लगे के नहीं बाबा के? अर्जी नहीं लगी है। क्या अर्जी रहे भैया, क्या समस्या लेके आए? मोर दो समस्या है, एक तो मोर बाबू बोले नहीं, समझे नहीं, और अपन कोई काम कर नहीं सके, और ऐसी स्थिति नहीं है कि वो पढ़ाई लिखाई जा सके। हर काम के लिए काफ़ी दिक्कत होते हैं, रात भर ये जागत रहते हैं, चिल्लात रहते हैं, हमर मन के नींद डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे बहुत से मतलब समस्या है। और दूसरा समस्या मोर ये है कि हमारे घर में कुछ साल से ऐसे घटना घटत है जिनमें घर के चाबी ताला दुकान के सब गायब हो जाते, रुपया पैसा खाने वाने के पीछे सब गायब हो जाते और वो मिले नहीं। तो बाबा के टीवी में देखना और साक्षात दर्शन में कैसे अनुभव रहे? बहुत अच्छा दर्शन में अनुभव होता है। तो अर्जी तो नहीं लग पाए, तो अपन और अगली बार आऊं? हाँ बिल्कुल आओ। अभी अपन नाम बता दो, मुल्क का नाम लिख। बिरगांव सेन, बिरगांव जिला। हाँ बिरगांव से, बिरगांव। जैसे कि आप मन देखा था आज दिव्य दरबार के दूसरा दिन रहे, कथा की आज पांचवा दिन है। हमारे साथ बहुत से भक्तजन जुड़े हैं, हम सीधा बात करूं। दीदी का नाम लिखता पहले परिचय बताओ। सावित्री बाई ध्रुव। टीवी में बाबा ला देखना और साक्षात दर्शन में का अनुभव रहे ओकर बारे? हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, हर रोज सुने है, जो काम करते हैं ना वहाँ सुनते हैं हम लोग। आप मन भी अर्जी लेके आए थे? नहीं, हम लोग यहाँ पास में दुकान है तो वहीं से थोड़ा घूमने के लिए आए थे। कुछ और भी बहनी मन है ओकर संग सीधा बात करूं। बहनी का नाम लिखता पहले परिचय? मेरा तो नाम ममता सुनवानी है। राजधानी रायपुर? मैं रायपुर से हूँ, गुढ़ियारी। कैसे लगे कथा में आके? कथा में आके तो अच्छा लगा, लेकिन हम लोग काम तरफ से आए हैं। अच्छा। लेकिन बहुत अच्छा लगा आने के लिए, और कल भी आएंगे। हमारे दिन चला थे और रायपुर गुढ़ियारी में इतना भीड़ सकेलाए है। हमारे साथ कुछ आंटी मन जुड़े हैं, बहनी मन जुड़े, उनका संग सीधा बात करूं। आंटी का नाम लिखता पहले परिचय? कुसुम साहू। कैसे लगे बाबा ला साक्षात दर्शन, और टीवी में जो अपन दर्शन करते रहो? सत्संग चैनल में देखते वाला, और हमला बहुत अच्छा लगते, और यहाँ भी आए तो हमला बहुत अच्छा लगी। से यहाँ के जो बंदोबस्त रहे वो कर लेके क्या कहना चाहो? ठीक है, यहाँ के बंदोबस्त भी अच्छा है, भगवान के कृपा में दर्शन में आन तो बंदोबस्त भी अच्छा है। नाम बता दो। कुसुम साहू। मतलब कुछ और भी बहनी मन जुड़े हैं, वो कर संग सीधा बात करूं। दीदी का नाम लिखता पहले परिचय? संतोषी विश्वकर्मा। क्या कहना चाहो दीदी, बाबा ला साक्षात दर्शन करके आए हो आप, मन कैसे रहे अनुभव ओकर बारे में? ठीक लगा सर, हम लोगों को तो अच्छा लगा, आए थे दर्शन करने, दर्शन किए और घर जा रहे हैं। ममता, कैसा लग रहा आपको राजधानी रायपुर में आकर? अच्छा लग रहा है। बाबा को टीवी में देखना और साक्षात दर्शन, कैसा रहा आपका अनुभव? बहुत अच्छा, साक्षात दर्शन हुए। बाबा से जुड़ना कैसा हुआ आप लोग का जीवन में? ऐसा क्या पड़ाव आया था, क्या दुख आई थी जो बाबा से जुड़ना हुआ आप लोग? सिर्फ दुख ही से तो नहीं जुड़ते ना, एक श्रद्धा है। जहाँ भी कथा रहती आप जाते हैं कथा पंडाल में बाबा के? मैं पहली बार नागपुर आई थी, तो मैं वहाँ से धाम गई और धाम से यहाँ आई। लोग देख रहे हैं, भारत ही नहीं, भारत से बाहर से भी, नेपाल से लोग आए हैं जो बाबा के दर्शन कर रहे हैं, कथा में जुड़े हैं, कथा को श्रवण कर रहे हैं। कथा कथा के आज पांचवा दिन चला थे और इतना भीड़ सके लाए हैं। हमारे साथ कुछ भैया मन जुड़े, भैया का नाम लिखता पहले परिचय? ओम साहू, रायपुर से। टीवी में बाबा के दर्शन और साक्षात दर्शन में कैसे अनुभव रहे आप मन के होकर बारे में? वैसे तो यूट्यूब में ज्यादा देखते हैं हम लोग, और यूट्यूब को देख के ही हम लोग आए हैं। आज पहला दिन है हमारा, और चार पांच दिन हो गया वैसे इनका कथा, और यहाँ तो अभी लास्ट टाइम आए हैं, बहुत भीड़ है पीछे से। रायपुर के? हाँ प्रॉपर रायपुर से। मतलब बहनी भी जुड़े होकर संग सीधा हमन बात करो। दीदी का नाम लिख दो पहले परिचय बताओ। डोमेश्वरी साहू। कैसे लगा था आप मन बाबा के साक्षात दर्शन के बाद? अच्छा लगा था, देखा तो दूर दूर से, रायपुर ही नहीं, दूसरा जिला से भी, छत्तीसगढ़ से कई जन आए हैं, तो हमन और भी लोगों से बात करूं।
जो YouTube चैनल वगैरह चलते हैं, आप मन कहाँ से हो? टीमगा से। टीमगा से आए हो। बाबा के टीवी में दर्शन और आज साक्षात दर्शन, कैसे महसूस कर रहा था? मजा आ रहा है, बहुत आनंद। क्या मन देखा था? युवा मन के जोश इतना बड़ा थे, और भी भाई मन ने उनका संग सीधा बात करूं। भाई का नाम लिख दो पहले। जितेंद्र साहू। कैसे लगा थे भाई बाबा के साक्षात दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है, आनंद आ रहा है। सिमगा से आयो, रायपुर कैसा लगा था? रायपुर तो अच्छा है, बहुत अच्छा। प्रत्येक दिन पधारत रहो आप मन? नहीं, मैं मन का नाम भागवत साहू। कैसा लगा थे भाई कथा में? कहता तो सुनने के लिए खास कहता, यहाँ हम लोग सिमगा से, बाकी यूट्यूब में फॉलो करते हैं। अर्जी भी लगा दो। अर्जी नहीं लगाया, सुने पर बस बस। और भी भाई मन है, अमन सीधा बात करूं। भाई का नाम लिखता हूँ पहले परिचय। प्रेमो साहू भैया। कैसा लगा थे भाई कथा में आके? बहुत बढ़िया भैया, मजा आ गया, दिल खुश हो गया बाबा का दर्शन करके। आप मन देखा था, युवा मन के भी जोश काफी उत्साह में है बाबा के दर्शन करे। दीदी का नाम लिखता हूँ पहले परिचय बताओ। मैं वंदना तिवारी हूँ, कवर्धा जिला से आई हूँ। टीवी में दर्शन और साक्षात दर्शन में कैसे महसूस कर रहा था? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आने के बाद रायपुर में उनके पंडाल में हूँ, यही मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, और भाग्य उदय हो जाएगा ऐसा लग रहा है। अर्जी लेके भी आए रहो? अर्जी तो बस इतना ही है कि बाबा का दर्शन हो जाए, बस इसीलिए। और भी दीदी मन है बात करूँ। दीदी का नाम लिखता? शशि शर्मा, आजाद चौक से आई हूँ मैं। रायपुर से? हाँ, रायपुर से ही। कैसा लगा था बाबा के साक्षात दर्शन? बहुत अच्छा लग रहा है, साक्षात हनुमान जी का ही दर्शन है। बागेश्वर धाम भगवान हर मनोकामना पूरा करते हैं। दिव्य दरबार में भी आए रहो? दिव्य दरबार में नहीं आई थी, लेकिन भगवान से मनोकामना चाहती हूँ, जो मेरे पूरा हो जाए भगवान। मनो मन भी जुड़े होकर सीधा बात करूं। भैया का नाम लिख दो पहले परिचय बताओ। देवेंद्र कुमार तिवारी भैया। कहाँ से आप मन, कौन से जिला से? कबीर धाम से आए हूँ। कबीर धाम से भैया मन जुड़े होकर संग बात करूं। भैया कैसा लगा था साक्षात बाबा के साक्षात आप मन दर्शन करा तो कैसा महसूस करा? बहुत बढ़िया लगा भैया, हनुमान जी के दर्शन जैसे लगा थे आज के। जुड़े बात करूं। आंटी का नाम लिख दो पहले परिचय बताओ। रेखा रानी सिन्हा जोरा से है, एग्रीकल्चर कॉलेज कैंपस से है। कैसे रहे बाबा के जो अनुभव रहे आप मन के, टीवी में बाबा के दर्शन और आज साक्षात बाबा यहाँ बैठ के कथा कर रहे थे, कैसा रहे आपके अनुभव ओकर बारे में? बहुत अच्छा अनुभव रही से, एकदम अच्छा लगी से कथा में, मजा आई से, है ना। आप मन अर्जी लेके आए रहो? नहीं, अर्जी तो नहीं ले रहे, कथा सुने पर आ रहे हैं। तो हम और भी दीदी मन से बात करूं, आप मन जुड़े रहो न्यूज 72 पहले परिचय। प्रिया वैष्णव, कबीर धाम जिला से। कैसा अनुभव रहे बाबा के, टीवी में दर्शन और साक्षात बाबा बैठ के कथा पढ़ा थे, कैसा रहे होकर अनुभव? बहुत अच्छा अनुभव रहा, वहाँ जा पाते हैं तो और अच्छा अनुभव रह पाता। जुड़े होकर संग बात करूं। आंटी का नाम लिख दो आंटी पहले परिचय बताओ। कविता वैष्णव। कैसा लगा था आंटी बाबा के साक्षात दर्शन हुआ? बहुत अच्छा लगा। आपन अर्जी लेके भी आए रहो? क्या अर्जी लगाए पर भी आए रहो? अर्जी नहीं लग पाई हमारी। नाम लिख दो पहले परिचय बताओ। चंद्रिका चंद्राकर। कैसा लगा था आंटी, टीवी में दर्शन और बाबा के साक्षात दर्शन करा था, कैसा अनुभव रहा? सुने है। अच्छा लगा, भगवान का हर काम अच्छा रहता है। दीपा पांडे। अच्छा लगा, राममय लगा, बहुत अच्छा लगा। सुनीता राजा। अच्छा रहा। जय हो सनातन। हम इतने दिन तक सचमुच सोए थे, आप उठे हैं, हमारे सनातन धर्म का प्रसार देख रहे हैं। उपेंद्र कुमार निर्मलकर, ग्राम लगाते भैया आज बाबा ला देख के, काबर की टीवी में देखा था और आज साक्षात दर्शन हुए, कैसे अनुभव रहे ओकर बारे में बताओ। बहुत बहुत गदगद हो गए हमन यहाँ आके। चंदपुरी भैया जी। दीदी का नाम लिखता हूँ। नीता निर्मलकर। लगा था दीदी बाबा? बहुत अच्छा लगा थे, भाई तो बाबा ला प्रणाम करूँ कि हमन पहली टीवी में देखे रहे, आज पहली बार बाबा ला लाइव देखे हन, उतना पास से तो नहीं देख सके पर अच्छा लगी से दरबार में आके। टीवी जुड़े आंटी से बात करूं। आंटी का नाम लिखता पहले परिचय बता। सोनी भाई निर्मलकर। कैसा लगा था आंटी बाबा के साक्षात दर्शन होंगे? ठीक हो गए लगा। जैसे कि आप मन देखा था हमारे साथ बहनी मन जुड़े हैं। दीदी का नाम लिखता पहले परिचय बता। हम लोग लिखते हैं ममता श्रीवास, रामनगर। बहुत अच्छा लगा हम लोग को तो। हमारे साथ कुछ और भी बहनी मन जुड़े होकर बात करूं सीधा। दीदी का नाम लिखता पहले परिचय। नेहा श्रीवास। बहुत अच्छा लगा, बाबा जी बहुत अच्छे हैं, सभी का उद्धार करते हैं, कथा भी बहुत अच्छे बोलते हैं, और क्या बोलते हैं सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं महाराज जी। नहीं नहीं नहीं, अर्जी लेकर नहीं आए थे, ऐसी कथा सुनने आए थे। और ठीक, आप मन देखा था लगातार भीड़ बढ़त जाते हैं, आज कथा के पांचवा दिन रहे। हमारे साथ कुछ और भी बहनी मन है, उनका संगमन सीधा बात करूं। दीदी का नाम लिखता पहले परिचय बताओ जी। का नाम लिखता, क्या नाम लिखता? रीना सिंहकार। कैसा लग रहा है आप लोग?
बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम अमेजिंग है, बहुत अच्छा अद्भुत लग रहा है। हाँ रायपुर से है, चंगुरा भाटा जी। टीवी में देखना और साक्षात दर्शन बाबा की, बहुत अद्भुत है, मतलब सत्य अभी भी है। जैसे कि आप लोग, बहुत अच्छा लगा और भगवान दर्शन बोल बोले बहुत अच्छा लगी से, मतलब महाराज आए बहुत खुशी लगी से। मोर सातो भाई नाव है, हमारे जांगरा लोधी हरन जंगेल, और मैं भेलाई से आऊँ, पावर हाउस से, सुभाष नगर करुणा हॉस्पिटल नन्नी रोड से। बहुत अच्छा लगी से एकदम से, और एक दर्शन करे से मतलब आत्मा है एकदम तरुच है, खुश है और धन्यवाद। देखा था लगातार हमन हर श्रद्धालु मन से बात कर रहे थे, उमन की यही कहना है बाबा के दर्शन साक्षात, बालाजी के दर्शन हो गए साक्षात। बाबा का नाम लिखता हूँ पहले, परिचय बताऊ। हाँ मेरा नाम है पारसनाथ सिंह, मैं वंदना का रहने वाला हूँ और मनपाट ब्लॉक से आया हूँ। बाबा का नाम सुन करके और मुझे दर्शन करने की इच्छा हुआ और मैं जो है आ गया। कैसा लगा था साक्षात दर्शन हुआ थे आप मल्ला बाबा के, कैसा महसूस करा? हाँ दर्शन नहीं हो पाया है, अभी मैं दर्शन करूँगा, ऐसा मेरे जो है इच्छा है। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कथा का आज पांचवा दिन है और संख्या काफी बढ़ी हुई दिखाई दी थी। हमारे साथ कुछ विनय दुबे जी जुड़े हैं जो भोजन की व्यवस्था को लेकर हम बात करेंगे। विनय जी, भोजन की व्यवस्था भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि माँ अन्नपूर्णा का प्रसाद आप लोग यहाँ पर वितरण कर रहे हैं, कैसी व्यवस्था रहती है और किन किन लोगों को उपलब्ध होता है उसके बारे में थोड़ा बताइए। भोजन की व्यवस्था पूर्ण रूप से स्वास्थ्य को देखते हुए साफ सफाई के अनुसार 70-80 लोगों की टीम लगी है कार्यकर्ता की यहाँ पे भोजन व्यवस्था के लिए, और बाकी पैकेट भी बन रहे हैं, करीब करीब 1000 पैकेट बन रहा है बांटने के लिए, जो वॉलेंटियर हैं आपका जो टीम लगी है सपोर्टिंग के लिए, पुलिस विभाग लगातार। यहाँ कितने कितने लोग खा रहे हैं यहाँ पे, अगर संख्या की अगर बात करें कितने लोगों का यहाँ पर खाना उपलब्ध हो पाता है? 1000 पैकेट बनता है, बाकी 1000 से ऊपर खाते हैं 2000। जैसे दिव्य दरबार भी था तो आप लोग सुरक्षा काफी बढ़ गई थी, काफी वॉलंटियर भी आप लोगों ने लगाए थे, उसे देखते हुए संख्या बढ़ी होगी खाने को लेकर? हाँ अब उसका कैलकुलेशन पूर्ण रूप से नहीं है मेरे पास, लेकिन जितने लोग बढ़े थे सबको हम लोग भोजन सुविधा उपलब्ध कराए हैं, स्वास्थ्य को देखते हुए, सफाई को देखते हुए। सभी की आप लोग देख रहे हैं सभी कर्मचारियों के लिए यहाँ पर जो इस सेवा में जुड़े हुए हैं, कथा में अपना कहीं ना कहीं योगदान दे रहे हैं, उनके लिए बहुत ही अच्छी भोजन की व्यवस्था की गई है। तो आप लोग जुड़े रहे न्यूज 72 में। हाँ दोनों।